रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, आज होगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। तो आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बैठक की तारीखों में कल बदलाव हुआ था और पहले 5 अगस्त को होनी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, लेकिन आज दोपहर 3 बजे अब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। मानसून सत्र की अवधि को लेकर अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में, यानी बीएससी की बैठक में लिया जाएगा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो होने जा रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बैठक की तारीखों में कल बदलाव हुआ था और अब आज ये बैठक होने जा रही है। पहले 5 अगस्त को बीएससी की बैठक होनी थी, लेकिन इसमें बदलाव किया गया और अब आज दोपहर 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ये बैठक होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानसून सत्र की अवधि को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज बीएससी की बैठक होने जा रही है 3 बजे दोपहर। जी बिल्कुल, आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि तय करने को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और बीएससी की बैठक दोपहर में 3 बजे के करीब होनी है। इस बीएससी की बैठक में हरियाणा के आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञान चंद गुप्ता, वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में होंगे। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत जो बीएससी के सदस्य हैं वो बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में जो मानसून सत्र है उसकी अवधि पर चर्चा होगी। बिजनेस कितना रहने वाला है और कितनी अवधि रखी जाए इसको लेकर जो है अंतिम मोहर लगनी है। हालांकि 3 दिन का प्रस्तावित जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। 8 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का मानसून सत्र का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन आज बीएससी की बैठक में इसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जी पवन, पहले ये जो बैठक थी वो 5 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश इस बैठक को आज किया जा रहा है। दरअसल इससे पहले इस बैठक का शेड्यूल 5 अगस्त के लिए तय किया गया था, लेकिन हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ने 2 अगस्त यानी आज इस मामले में जो बीएससी की बैठक बुलाई है इससे पहले एक और बैठक होनी है, जो बैठक 2 बजे होनी है, जिसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बार से हरियाणा विधानसभा का सत्र है वो पेपरलेस चलेगा, यानी अब हरियाणा की विधानसभा ई विधानसभा बनने जा रही है, लिहाजा वो बैठक आज बुलाई गई थी। इसी के चलते उसी क्रम में दूसरी बैठक करने का फैसला किया और 5 तारीख को होने वाली बैठक को आज करने के लिए तय किया गया है। पवन बने रहिए, आप हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें बीएससी की बैठक जो है वो आज दोपहर 3 बजे होने जा रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जो कि बेहद महत्वपूर्ण, हालांकि 5 अगस्त को होनी थी पहले, लेकिन अब ये आज बैठक बुलाई गई। बैठक की तारीखों में ये बदलाव जो है वो किया गया है। तो पहले 5 अगस्त को होनी थी बीएससी की बैठक, लेकिन अब आज दोपहर 3 बजे ये बैठक जो है होगी।